दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक जबरदस्त पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं मात्र 18 से 19 साल के हैं और फेसबुक से उन्होंने लास्ट अक्टूबर के अंदर आप यकीन नहीं करोगे लाखों में पैसा कमाया, वो भी कॉपी पेस्ट करके। इनका हमने पहले भी पॉडकास्ट लिया था, उसके बाद इन्होंने जितना पहले कमा रहे थे उससे ज्यादा पैसा कमाया। पहले फोटो डालकर कमाते थे, लेकिन आज के टाइम पे फोटो और लॉन्ग रील्स डालकर ये फेसबुक कॉपी पेस्ट से पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने सोचा इनके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए जिसमें आपको सारी चीजें बताई जाए कि ये किस तरीके से काम करते हैं और उन तरीकों को फॉलो करके आप भी फेसबुक से पैसा कमा पाओ। तो आपको करना क्या है, इस पॉडकास्ट को पूरा देखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अगर आप भी फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हो। तो चलिए वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का हमारे चैनल के ऊपर। तो भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं, आपका क्या नाम है, कहां से बिलोंग करते हो और आपकी क्या एज है। तो सबसे पहले तो थैंक यू आपको अपने चैनल पर बुलाने के लिए। और मेरा नाम सचिन कुमार और मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और अभी मैं 12th क्लास में स्टडी कर रहा हूं। ओके, तो भाई मुझे एक चीज बताओ, जैसा कि आपने बताया कि आप फेसबुक कॉपी पेस्ट से पैसा कमाते हो, तो ये जो आप काम कर रहे हो, तो आपने किस तरह से आपको इसके बारे में पता लगा कि फेसबुक कॉपी पेस्ट से पैसा कमाया जाता है, कहां से आपको इस चीज की मोटिवेशन मिली? ये मेरे को मैंने यूट्यूब पर ही पॉडकास्ट देखकर, मैंने किसी का वीडियो देखकर वहां से मेरे को नॉलेज पता चला, तो मैं फिर वहां से मैं भी यूज किया, तो फिर मेरे को भी यहां से अर्निंग स्टार्ट हो गया था। ओके, तो भाई ये जो चीज है, पॉडकास्ट तो बहुत लोग देखते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोज हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं कि लोग फेसबुक कॉपी पेस्ट से पैसा कमा रहे हैं, तो आपको क्या कोई दिक्कत आई थी? क्योंकि जितने भी लोग हमें मैसेज करते हैं, हम भी इंटरव्यू लेते हैं, आपका भी लिया था, तो लोग बोलते हैं सर हमने ट्राई किया, पेज रिस्ट्रिक्ट हो गया, मोनिटाइजेशन नहीं हुई, फलाना ये हो गया वो हो गया, तो आपको भी इस तरह की दिक्कत आई थी? मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आया, ऐसा मेरा बहुत सारे पेज है जो की डीमोनिटाइज हुआ, लेकिन मैंने कंटिन्यू काम रखा, लेकिन मैं इससे अर्निंग कर, मैंने एक पेज से काम नहीं किया था, मैंने बहुत सारे पेज बनाया था और उससे काम करके अभी ये अर्निंग कर रहा हूँ। ओके, तो आपने स्टार्टिंग में कितने पेज बनाए? मैंने शुरू से लेकर के 4 पेज बनाया था, 4 पेज को मैंने रन किया था, उसमें से एक पेज से मेरा अर्निंग स्टार्ट हुआ था। तो भाई एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप फेसबुक से, अगर आज के टाइम पे हम इस पॉडकास्ट को इस तरीके से करेंगे ताकि लोग इस पॉडकास्ट को देखकर कुछ पैसा कमाना स्टार्ट कर सकें, तो सपोज करो हम मान के चलते हैं आपके पास एक भी पेज नहीं है फेसबुक का, तो आप अपनी नॉलेज के आधार पर किस तरीके से काम स्टार्ट करोगे, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो एक नम बेसिक से पहले पेज बनाना शुरू करेंगे, जो कि एक एडवांस लेवल से उसका कीवर्ड और ये सब करके और रैंक करेंगे, ताकि ऑडियंस के पास सजेस्ट करें मेरा फोटोज, वीडियो और रील्स, और एक बेस्ट टाइप से एडवांस। वो एडवांस चीज क्या है, थोड़ा सा प्रकाश डालो इस चीज पे, क्या चीजें करते हो आप? मतलब कि पेज बनाने के लेकर के उसमें जो क्राइटेरिया होता है, जो सब कुछ करेंगे, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप जो कि उसमें बताया हुआ रहता है जब पेज बनाते हैं लोग, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि सेटिंग को ऑन नहीं करते हैं, तो वो अंदर का सेटिंग ऑन करना पड़ेगा, जैसे कि कौन सी सेटिंग, वो सेटिंग जैसे कि ऐसा सेटिंग जो कि लोगों तक रिकमेंड करे कि फोटो में फोटो मेरा लोगों तक पहुंचे, और जैसे कि वीडियो जो कि पब्लिक करे तो वो लोगों तक पहुंचे, तभी तो हमारे वीडियो पर फोटोज पर लाइक्स और वीडियो पर व्यूज आएंगे। ओके, तो ये सेटिंग कहाँ पे होती है, कुछ आइडिया? वो हमारे फेसबुक के 3 डॉट पे जाकर के सेटिंग वाले ऑप्शन पे, वहाँ पर प्राइवेसी एंड सेटिंग वाले ऑप्शन पे, वहाँ पे हमको ये वाला ऑप्शन सब कुछ देखने को मिल जाता है। ओके, तो चलो हमने पेज बना लिया, पेज बनाने के बाद आप वीडियोज और फोटोज किस टॉपिक पे डालते हो? आपका जो पेज होता है वो एक टॉपिक के ऊपर होता है या फिर आप कुछ भी डालते हैं? नहीं नहीं, मेरा जो एक पेज है वो मेरा किसी एक टॉपिक के ऊपर ही होता है। अगर मैं इस पेज पर कुकिंग का वीडियो या फोटो डालूं तो इस पे सिर्फ मैं कुकिंग का फोटो और वीडियो ही अपलोड करूंगा, या फिर किसी और कैटेगरी, कोई भी एक सेम कैटेगरी का मेरा पेज रन करता है। ओके, तो चलो ठीक है, एक टॉपिक पे किसी ने पेज बना लिया, सारी सेटिंग्स भी ऑन कर दी, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो भी बना देंगे, कौन कौन सी सेटिंग्स हैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल के लिए जैसे कि आपने चीज बताई, एक टॉपिक पे पेज बना लिया, सारी सेटिंग्स हो गई, और उसके बाद दिन की कितनी फोटो और कितनी वीडियोस आप डालते हैं? मैं अभी मतलब जस्ट प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं तो अभी मेरा दिन का 17 फोटो डेली अपलोड हो रहा है, वो किसी भी टाइम पे अपलोड होना ही जरूरी है, और मेरा वो सुबह 7:15 में फर्स्ट मेरा जो की है, और वो रात का 8:15, बाकी जो कि 2 टाइम और है वो मैं किसी टाइम जब एक्टिव रहता हूं तो फोटो डाल देता हूं, मतलब ये सुबह का और रात का ये दोनों टाइम मेरा फिक्स है, और टोटल दिन का 17 फोटो अपलोड होता है। और कितनी वीडियोस होती हैं इसमें? इसमें वीडियोस मेरा 6 वीडियो होता है, जो कि मैं फेसबुक से कॉपी पेस्ट लॉन्ग फेसबुक पर मतलब अपलोड करता हूँ, यूट्यूब से कॉपी पेस्ट करके। ओके, तो ये जो आप डाल रहे हो इतना सारा काम, चलो ठीक है किसी ने एक पेज बना लिया,
अब उसको उस पर मोनिटाइजेशन मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? मतलब क्या रेशो रहती है आप जब कोई पेज बनाते हो, एक पेज बनाते हो या मल्टीपल, कितने पेजेस पे काम करते हो कि मोनिटाइजेशन मिल जाए कॉपी पेस्ट पर? नहीं, अगर कोई बंदा फेसबुक पर फोटो डालकर पैसा कमाना चाहता है, वो फोटो को कहीं से कॉपी नहीं करे, बल्कि वो फेसबुक से ही एआई के द्वारा वो बनाएगा, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। फेसबुक पर फीचर है एआई के थ्रू फोटोज बनाने का, हम वहां से अब फोटोज को बनाते हैं, अब कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। तो भाई वो कहाँ से मिलता है वो ऑप्शन, कुछ बताओगे इसके बारे में कि क्या स्टेप्स हैं वो जरूर ऑप्शन जरूर देखने के आपको जैसे? व्यूअर का मैं ये बात बता रहा हूँ, मतलब कि जैसे कि आप फोटोज अपलोड करने के लिए वहां पर क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो नीचे आपको इमेजिन करके एक ऑप्शन देता है, वो एआई के थ्रू बनता है। तो उसमें आपको बस प्रॉम्प्ट लिखना होता है, जैसे कि मतलब कि मैं केदारनाथ का फोटो बनाना चाहता हूँ, तो बस मैं उसमें केदारनाथ टाइप करूंगा, तो वो वहां पर केदारनाथ का चार अलग अलग इमेज दे देगा वो आपको, और उसमें से जो आपको पसंद है वो आपको क्लिक करके वहां से आपको पोस्ट कर सकते हैं। तो वो फ्री है या पेड होता है, और कितनी फोटोज बना सकते वो हैं? बिल्कुल फ्री है, और डेली का आप अनलिमिटेड फोटोज बना सकते हैं, उसमें कोई भी पेड नहीं, वो फेसबुक की तरफ से सबको प्रोवाइड किया गया है। तो भाई कुछ सैंपल्स प्रोवाइड करना जो आप डालते हो, वो हम ऑडियंस को दिखा देंगे स्क्रीन ओके, पर। मैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आप वीडियो में लगा देना। तो भाई मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, आगे मैं डिटेल में सारी चीज़ें पूछने वाला हूँ ताकि लोगों को इससे हेल्प मिले। मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, आपने लास्ट यूट्यूब से कॉपी पेस्ट करके अभी जो पेमेंट लिया बिल्कुल रीसेंट, वो कितनी लिया, आपने कितना अभी कमाया? 48,000 कुछ डॉलर की अर्निंग हुई है, वो आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रूफ के साथ मैं भेज दूंगा रिफ्रेश करके, कितना भाई? 4,800 डॉलर प्लस है। ओके, आपने 48,000 बोल दिया था तो मुझे थोड़ा सा शौक नहीं, लगा। 4,800। तो भाई ने 4,800 से ज़्यादा डॉलर, नियर अबाउट $5,000 के आसपास की लास्ट इनकी अक्टूबर की अर्निंग हुई है जो इनको मिली है। यानी अगर हम बात करें 4 से 4.5 लाख रुपए इनको प्राप्त हुए हैं यूट्यूब से कॉपी पेस्ट करके। तो ये तो अर्निंग की बात हुई, इससे पहले भी ये कमा रहे हैं, हमने इनका पॉडकास्ट किया था तो अभी डिटेल में हम बात करने वाले हैं ताकि आप लोग भी कमा सको। तो भाई मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, अगर आज के टाइम पे इस पॉडकास्ट को देखकर कोई आपके वाला मेथड फॉलो करे तो उसको स्टार्टिंग में कितने पेजेस पे काम करना चाहिए अगर वो परफॉर्मेंस बोनस से पैसा कमाना चाहता है? अभी मतलब कम से कम तो उसको 4 से 5 पेज बनाना चाहिए, और डेली का कम से कम तो 10 फोटोज कैसे भी अपलोड करना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो कि बीच में करते हैं, 15 से 20 दिन के बाद वो छोड़ देते हैं। मेन वहां पर सभी लोग का ये सबसे सबसे बड़ा गलती है, और सभी लोग ये करते हैं, कोई भी नहीं, मैं भी ये गलती किया हूं, तो मेरे को पता है। तो जो फोटोज डालते हैं, चलो 15-20 फोटोज डेली की डाल रहे हैं, हाँ तो कितने दिन बाद आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से परफॉर्मेंस बोनस का जो इनविटेशन है वो आ जाता है? मेरे हिसाब से कम तो आपको, अगर आपका आईडी के ऊपर रील्स बढ़िया होता है, अगर आपका फोटोज और वीडियो जो कि वायरल जाता है, तो आपको सामने से इनवाइट मिल जाएगा इन स्ट्रीम ऐड, यानी कि कंटेंट मोनेटाइजेशन का, वहां से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते। और वो आपको सेम टू सेम बेस करता है वो आपके पेज के ऊपर, कि हाँ इतने दिन के अगर आपका पेज सही है, मतलब कि रील्स सही है, आपका फोटोज वीडियो वायरल हो रहा है, तो वहां से आपका वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जो आप वीडियोस लेते हो रील्स के लिए, उसमें क्या-क्या चेंजेस करते हो, एडिटिंग किस तरह की करते मैं हो? एडिटिंग सबसे पहले तो काइन मास्टर से करता हूँ, और वो बिल्कुल फ्री में है, और वहां पे मैं एडिट सबसे पहले तो रेशियो चेंज करता हूँ, वहां पे थोड़ा सा इफेक्ट डालता हूँ, और ग्रीन स्क्रीन वीडियोज जो कि यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर मिल जाता है, उसको मैं उसमें ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मतलब कि एक नॉर्मल सा फोटो वीडियो जाए, उसमें मैं ट्रेन का वीडियो लगा देता हूँ ग्रीन स्क्रीन से, वो मिल जाता है आराम से, इजिली डाउनलोड कर लेते हैं ग्रीन स्क्रीन का वीडियो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक वीडियो जब आप एडिट कर लेते हो हाँ उसके बाद जो फाइनल आउटपुट होती है वो एक बार दिखाना, मैं स्क्रीन पे चला दूंगा ताकि ऑडियंस को आइडिया लग जाए कि आपकी एडिटिंग वाली वीडियो कैसी होती है। ओके भैया, तो भाई इसके अलावा अगर देखो, मैं आपसे सीधी सी बात ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा ओके कि लोग देखो बहुत सारे ट्राई करते हैं कॉपी पेस्ट, लेकिन मुझे सुनने में सबसे यही आता है कि सर हमारी मोनिटाइजेशन ऑन नहीं हो रही है या फिर पेज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो इन चीज़ों का आप क्या सॉल्यूशन देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? मैं तो सीधा से बात करूँ, अब जो मैं तरीका बताया हूँ उसका अगर यूज करते हैं, तो रेस्ट्रिकेट मोनेटाइजेशन कभी नहीं होगा। आप बस फोटोज है जो कि गूगल से नहीं उठाए, और नई पिक्चर और पिक्सर जो कि डाउनलोड मतलब कहीं से नहीं करें, वो फेसबुक से एआई के थ्रू बनाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं अभी वहीं से फोटोज टोटल उठाता हूँ, मैं कहीं और से डाउनलोड ही नहीं करता हूँ।
और जो फोटोज आप अपलोड करते हो उसको अपलोड करते टाइम दो चीजें होती हैं, डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट, तो हाँ वो आप डालते हो या फिर ब्लैंक डाल नहीं, देते हो? डिस्क्रिप्शन वो है जो कि अभी जो ट्रेंडिंग में हैशटैग चलता है उसका मैं यूज करता हूँ, और एक जो कि अगर आप एआई फोटो ऑन करते यूज करते हैं तो एआई इंफॉर्मेशन जो कि लोगो आता है उसको मैं ऑन करके चलता हूँ, बस ये दो काम करता हूँ, और फोटोज को एआई से बना लेता हूँ। ओके, तो आज के टाइम पे आपके कितने पेज मोनिटाइज्ड अभी हैं मेरा कम से कम तो 8 पेज मोनेटाइज है, और परफॉर्मेंस बोनस आठों पे आठों है या हाँ नहीं कितने पे है? 8 पेज मोनेटाइज है, अगर विदाउट मोनेटाइजेशन कम से कम तो 50+ पेज है। तो जो परफॉर्मेंस बोनस है वो सब पे आपका ऑन हुआ हाँ हुआ है? 8 पेज पे होने, बाकी सारे पर भी मेरा जो कि रेड आ चुका, जो कि पूरा कॉपी पेस्ट था, इसके चक्कर में पहले मैं कॉपी पेस्ट पर बहुत ज्यादा वर्क करके वहां से अर्निंग किया था, जो कि पिछले पॉडकास्ट में सबको पता ही होगा, वो मेरा जो व्यूअर आपको देखे होंगे वो। तो भाई एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो चीज़ अभी आप कर रहे हो, जो आपने बताया कि आप एडिटिंग करते हो वीडियोस में, उसमें रेशो चेंज कर देते हो, इफेक्ट डाल देते हो, वो सारी चीज़ें चेंज करने के बाद, क्या आपका किसी पेज पे ईमानदारी से बताना कुछ दिक्कत हुई अभी है? तक मेरा कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होता तो वो पेमेंट इतना बड़ा आता नहीं, सीधी सी बात है, वो ओके ऑडियंस को भी पता है, अगर दिक्कत होती तो वो पेमेंट आता नहीं। ओके तो ये जो आपकी इतनी बड़ी पेमेंट आ रही है, आपने सारी कॉपी पेस्ट से करी है, तो जो वीडियोस में एडिटिंग करते हो आप उसमें अपनी वॉइस डालते हो या ओरिजिनल ही वीडियो का साउंड रखते नहीं हो? मत, वो मैं अपना वॉइस ओवर उसमें डालता हूँ, जैसे कि फैक्ट वीडियो का जो कि फैक्ट वीडियो होता है ना, जो कि यूट्यूब पर बहुत चलता है, उसका मैं यूज करता हूँ यहाँ पे। मतलब आपकी खुद की वॉइस होती है, किसी और का वॉइस नहीं मैं डालते अपना हो? खुद का वॉइस होता है, नहीं तो अगर आप खुद का वॉइस नहीं डाल पाते तो एआई के थ्रू मैं जनरेट भी कर लेता हूँ वॉइस को। तो भाई कुछ अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहोगे, अगर किसी का पेज रेड हो जाता है या फिर रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो उसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? अगर किसी का पेज अगर रेड हो चुका है तो मेरा सीधा सवाल है, अगर वो टोटल कंटेंट को डिलीट करने के बाद, लाइव आने के बाद कम से कम तो 2 से 2.5 महीना अगर वेट करें तो उसका पेज ग्रीन हो जाएगा, ये मेरा सिंपल सा फंडा है, और मेरा पेज ग्रीन भी हुआ है तब तो मैं बता रहा हूँ, ओके और फिर उससे आप अर्निंग कर तो भाई सकते हो। आपने जैसे $5,000 के आसपास का भी लिया है यहाँ से फेसबुक से, हाँ तो आप क्या करने वाले हो उस पैसे अभी का? तो मैं जो पेमेंट आया उससे, आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं यहाँ पर पूरा गेमिंग सेटअप लेकर के अभी पूरा बैठा हूँ, और बाकी जो किया वो घर पे दे दिया हूँ। ओके, तो आपने जैसे फेसबुक से, अभी आप 12वीं में ही हो, पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो आपने अभी तक क्या क्या किया है ऑनलाइन अर्निंग की कमाई से अपने लिए, क्या क्या चीज़ें बनाई हैं आपने? अभी मतलब कि गेमिंग सेटअप और घर, बस ये दो चीज, और बाकी जो पेमेंट है वो घर भी घर पे बना लिया दिया हूँ। आपने? अभी मैं जो कि अभी मैं खुद घर पे नहीं रहता हूँ, मैं ऑलरेडी रूम लेकर बाहर रहता हूँ पटना में। चलो बहुत बढ़िया भाई, आप इतनी कम एज में इतना पैसा कमा रहे हो। तो भाई मैं लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि देखो फेसबुक से पैसा कमाते हैं ये सबको पता है, आपने कमाया, आपने उसका प्रूफ भी दिखाया, बहुत लोग कमा रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि कॉपी पेस्ट ज़्यादा बेटर है या फिर ओरिजिनल कंटेंट ज़्यादा बेटर है, क्या ट्राई करना चाहिए लोगों को? जो कि मैं जो बताया वो काम करें, फोटोज को फेसबुक कहीं से मतलब थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड नहीं करें, मतलब कि वो फेसबुक से ही बना, कॉपी पेस्ट यहाँ पर ये काम बंद हो जाएगा, आपका ओरिजिनल कंटेंट में ही आ जाए, और ये सबको फीचर दिया है फेसबुक, तो इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर ये काम ओके करते तो और आप कॉपी पेस्ट तो करते नहीं, आपका ओरिजिनल कंटेंट हो गया एआई के थ्रू, और वो फेसबुक खुद उसमें बनाने को ओके दे रहा है, तो फेसबुक का हम यूज कर रहे हैं वहां पे, मैं किसी कहीं से और फोटो डाउनलोड करने का झमेला ही नहीं रहा। तो सचिन भाई मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पे दोबारा आए और अपना वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी नॉलेज है, आपने हमारी ऑडियंस को दी, तो आपका दिल से धन्यवाद इस चीज़ के आपका लिए। भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने मेरे को दोबारा टाइम दिया अपने चैनल पे आने के लिए। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप सचिन की तरह पैसा कमाना चाहते हो तो आपको लाइफ में कुछ भी नहीं करना, आप एक बार चीज़ को पकड़ लो जैसे जैसे इन्होंने बताया, फॉलो करो, प्लस हर इंसान का अपना दिमाग होता है, जैसे इन्होंने किया, इनको दिक्कत आई, इन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपना दिमाग लगाते चलो, हो सकता है आप इनसे बेटर लगा लो, इनसे ज़्यादा कमा लो। देखो एक चीज़ पकड़नी है आपको इस पॉडकास्ट से कि फेसबुक से पैसा कमाया जाता है, इन्होंने कैसे कमाया इन्होंने बता दिया, इनको जो प्रॉब्लम्स आई थी इन्होंने उन चीज़ों को सॉल्व किया, मतलब मेहनत है। अब मैं तो देखो सजेस्ट करूंगा कि आप ओरिजिनल कंटेंट पे काम करोगे तो लाइफ टाइम पैसा कमा सकते हो, ठीक है, लेकिन कॉपी पेस्ट में क्या होता है, वायरल जल्दी हो जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा शॉर्टकट लगता है, ओरिजिनल कॉन्टेंट में इतनी जल्दी वायरल नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती है, आप मेरे चैनल को देख ही रहे हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा चांस रहता है कि पैसा तो आता है लेकिन लाइफ टाइम तक आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो चॉइस आपकी, आप क्या करना चाहते हो, बाकी
अगर अच्छा लगा पॉडकास्ट तो भाई लाइक जरूर करना। इस वीडियो का एम रखते हैं 500 लाइक्स का। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी, बस कभी भी हार मत मानना। बाय बाय।